स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे सचिन के केस में हुआ था 94 में, एक वो एक्सीडेंट हुआ और उनको ओपन करना पड़ गया वनडे क्रिकेट में, उसके बाद सचिन बदल गए। आपको लगता है रोहित, जो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में आपने ओपन करना शुरू किया या धोनी ने आपसे कराया, वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके पहले मैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता था, और उसके बाद जब हमारी ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट हो गई थी शिखर और मुरली विजय की, तो मेरा नंबर था 4, बट 4 नंबर पे दिनेश कार्तिक ने वहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस में 2 शतक बनाए थे। तो पता नहीं, एमएस धोनी थोड़े कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही आकर पूछा कि आप ओपनिंग करना पसंद करोगे क्या। तो मैंने भी कहा बिल्कुल, मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसके पहले मैंने इंडिया में 2 मैचेस में ओपनिंग की थी इंग्लैंड के खिलाफ, तो ऐसा नहीं था कि आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, बट जब भी आपकी बैटिंग ऑर्डर चेंज होती है तो आपको गेम चेंज करना पड़ता है, यस, बट मोस्टली आपको ज़्यादा क्या चेंज करना पड़ता है, वो आपका मानसिक संतुलन, आपको अपने दिमाग से खेलना पड़ता है और अपने आप से बात करना पड़ता है कि नए बॉल को आप कैसे टैकल करोगे, बॉल छोड़ने पड़ते हैं, कुछ कुछ शॉट्स जो है आपकी स्ट्रेंथ होगी बट आप नहीं खेल सकते उन नए बॉल से, तो ये सब चीज़ें थी। और जब उन्होंने आके मुझे बोला ये बात, तो मैं मतलब रेडी था कि मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। हाँ, तो अगर वो मुझे बोलते थे कि अगर तुझे 7 नंबर पे खिलाना है, तो मैं वो भी तभी भी हाँ करता था, तो क्योंकि मुझे खेलना था और इंडिया के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। उसके पहले 2011 में वर्ल्ड कप हो चुका था जो मैंने मिस किया था, तो मुझे बड़े टूर्नामेंट्स खेलने थे, तो मैंने उनको हाँ किया और बाय गॉड्स ग्रेस टूर्नामेंट भी अच्छा गया, इंडिया जीत गई, और उसके बाद से अब तक चल रहा है, गाड़ी चल रही है। 2013 में जो सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट टेस्ट था जिसमें आपने 100 भी बनाया था जी, वो क्या शोएब अख्तर आए हुए थे और हमारे आज तक पे वो प्रोग्राम्स हमारे साथ करते थे, मुझे याद है एक दिन हम ट्रैवल कर रहे थे शो के लिए और उन्होंने बात चली विराट कोहली की, विराट विराट थे उस वक्त, तो उन्होंने मुझे कहा, कहते यार आप लोग ना विराट को बहुत हाईली रेट करते हैं, 2013 की बात है, विराट बहुत बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन ये जो रोहित शर्मा है ये उससे भी बड़ा बल्लेबाज है। मैंने कहा कैसे आप शोएब भाई कैसे कह रहे हो आप? कहते देखो विराट जो भी शॉट खेलता है वो एफर्ट लगता है, वो मारता है। कहते यार ये तो ऐसे नींद से उठ के ऐसे 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 करते थे, आपकी ताकत कहीं आपकी कमजोरी तो नहीं बन गई? इनिशियल स्टेज में वो थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं काफ़ी शॉट्स खेल सकता हूँ, तो मैं खेल सकता हूँ और मैं खेलने लगा, बट जैसे मैंने बताया अभी कि गेम अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी, शॉट सिलेक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास इतने सारे शॉट्स है तो आपको लगता है कि मैं एक बॉल में ये सारे शॉट्स खेल लूँ। सही बात है, तो एक शॉट के लिए 6, एक बॉल के लिए 6 शॉट है। बिल्कुल, तो वो थिंकिंग था, तो मैं कभी ऊपर का बॉल ही पुल मार देता था, ऊपर का बॉल कभी ऊपर से मारने देखता था, तो काफ़ी सारे शॉट्स मैं खेलने की कोशिश करता था, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार ऐसे गेम नहीं चलेगा, और आपको अगर एक दो मैच परफॉर्मेंस करने की बात नहीं है, मुझे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करना था, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे गेम में। इसलिए जो मैं इनिशियली जब मैं आप खेलता हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैं टाइम लेता हूँ, इनिशियली टाइम लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना शॉट्स खेलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो ज़रूरी है कि नए बॉल मैंने अगर मैंने नया बॉल खेल लिया, उसके बाद मुझे पता है कि मैं बॉलर्स मुझे आउट नहीं कर सकते, मैं खुद आउट हो सकता हूँ अपने गलती से, तो वो मुझे अवॉइड करना है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने सीखा है, और मैंने जो अपने डिसमिसल्स थे वो मैंने देखा कि मैं कैसे आउट हो रहा था, तो मैंने देखा कि काफ़ी टाइम बॉलर्स आउट नहीं कर रहे थे मुझे, मैं खुद आउट हो रहा था, तो वो मुझे चेंज जो था वो मुझे जल्द से जल्द लाना था। अच्छा, मैं यही बात कर रहा था, आपने कहा एक सेट, हर खिलाड़ी के एक सेट वो होता है कि मैं ऐसे बैटिंग करूंगा, वो क्या माइंडसेट होता है रोहित, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं ऐसा लगता है यार कि जो मर्जी गेंदबाज हो वो क्लब लेवल का लगता है, आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा होता है, हर बॉल पर चौका छक्का देख रहे होते हैं या फिर सब कुछ इंसिडेंटल है? नहीं, मैं मेरिट पे खेलने की कोशिश करता हूँ बॉल की, क्योंकि हमारे पास क्रिस गेल या एबीडी विलियर्स जैसी ताकत तो नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि टाइमिंग, बॉल टाइम करो ग्राउंड पे, अगर आप फील्डर को बीट करोगे तो आपको 4 रन वैसे भी मिलेंगे, आपको 120 या 130 यार्ड का छक्का नहीं मारना है, आपको 70-80 जस्ट वो जो बाउंड्री लाइन है वो पार कराना है, 6 रन ही मिलेंगे, तो मैं ये चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, और कई दफ़ा मुझे ये चीज़ काफ़ी हेल्प हुई है, जब मैं 50 रन पार कर लेता हूँ,
जैसे मैंने बोला कि मैं अपने गलती से ही आउट हो सकता हूँ उसके बाद. आपको टेस्ट मैच क्रिकेट डिफरेंट है. टेस्ट मैच क्रिकेट में एवरी नाउ एंड देन आपको बॉलर्स मिलेंगे जो अच्छे जगह पे बॉल डालेंगे और आउट करने की कोशिश करेंगे. बट वनडे क्रिकेट में ज़्यादा दफ़े आप अगर देखोगे तो आप अपने गलती से आउट होते हो. तो वो मैंने कोशिश किया है कि वो कम से कम गलतियाँ करनी है और इनिंग्स को जितना हो सकता है उतना आप लंबा खींचने की कोशिश करो. क्योंकि ओपनिंग जब आप करते हो तो आपके पास ही एक ओपनर बैट्समैन के पास ही एक अपॉर्चुनिटी है जो पहले बॉल से लेके 300 बॉल तक खेले, चाहे वो नंबर दो पे हो जो शिखर धवन है जो नॉन स्ट्राइकर पे होते हैं, वो भी पहले बॉल से लास्ट तक नहीं रह सकते. मैं रह सकता हूँ क्योंकि मैं पहला बॉल खेलता हूँ. तो अच्छा, हर दफ़ा पहला बॉल खेलते हैं? हाँ, मैं पहला बॉल खेलता हूँ. मैं भी क्लब के मैच में पहला बॉल खेलता हूँ. हाँ, आई मीन ये मेरा एक रूटीन के साथ कि पहला आखिरी ना हो जाए. नहीं नहीं, बिल्कुल वो हुआ भी है, काफ़ी दफ़ा हुआ है, मैं पहली बॉल पर आउट भी हुआ हूँ. बट मेरा कोशिश यही होता है कि यार मैं पहला बॉल में मुझे खेलना पसंद है क्योंकि पहले बॉल से ही फिर मैं रेडी रहता हूँ. ऐसे नहीं कि मैं नॉन स्ट्राइकर पे हूँ और दूसरा बॉल खेलूँगा तो कई दफ़ा चांसेस है कि आपके पैर ना चले, वो बाहर का बॉल आपने चेज कर लिया, शॉट खेल लिया. बट पहले बॉल जब मैं खेलता हूँ तो मैं 100% से ज़्यादा रेडी रहता हूँ.